सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद जुबैर। और दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी धमाकेदार वीडियो, क्योंकि 9 फरवरी को आप सबको पता होगा कि सैमसंग का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें सैमसंग अपना एस सीरीज़ और टैब एस सीरीज़ लॉन्च करने वाला है। तो अभी तो एक हफ़्ता बाकी है यहाँ पे इवेंट होने में, तो एक हफ्ते के पहले ही सारे अभी तक पिछले साल से लेके अभी तक बहुत सारे लीक्स आए, सारी चीज़ें आई। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे सारे जितने भी लीक्स अभी तक हमको मिले हुए हैं रिगार्डिंग S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा, टैब S8, टैब S8 प्लस और टैब S8 अल्ट्रा, तो सारी चीज़ों को सम अप करके यहाँ पे जितने भी लीक्स मिले हुए हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कंप्लीट एक S22 सीरीज लॉन्च के तरीके की वीडियो ये दिखने वाली है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर S22 सीरीज का फ़ोन ख़रीदना है तो वो डिसीजन ले पाएँ। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो भी सारे लीक्स वगैरह हैं वो स्क्रीन पे दिखाता जाऊँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो मॉड्यूल दिया गया है पीछे कैमरा का कितना नीट एंड क्लीन दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, कुछ लास्ट ईयर की वन अल्ट्रा था उसी के ही जो सेंसर्स हैं यहाँ पे इसमें दिए गए हैं, कैमरा में कोई हार्डवेयर इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट है कैमराज के लिए वो बहुत ज़्यादा है। इसका जो हाई पोटेंशियल है 8 Gen 1 के साथ में, एक्सोनस 2200 के साथ में मिलके बहुत ही अच्छी आने वाली है इसकी कैमरा परफॉर्मेंस। इसके अलावा आगे देख सकते हैं आप, इसका कुछ ऐसा ये लुक है जो कि डमी है, बहुत सारे चैनल्स ने इसको डमी को दिखाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं इसको कितना नीट एंड क्लीन लुक है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो S22 सीरीज की जो लाइनअप है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बेस S22 होगा वो हमारा 6.1 इंच स्क्रीन के साथ में आएगा, दूसरा हमारा 6.6 इंच स्क्रीन के साथ में आएगा जो S22 प्लस है, इसके अलावा हमारा जो सैमसंग S22 अल्ट्रा है वो आएगा 6.8 इंच की स्क्रीन के साथ में, साथ साथ एस पेन आएगा जो उसका सबसे बड़ा हाईलाइट है, नोट स्टाइल में आ रहा है S22 अल्ट्रा, बहुत ही स्टनिंग लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं साइड बाई साइड कंपेरिजन करूँ यहाँ पे S22 और S22 प्लस का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में जो कैमराज वगैरह हैं अल्ट्रा वाइड दोनों में सेम है, 12 मेगापिक्सल का, वाइड 50 मेगापिक्सल का, और टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल का, दोनों का सेम है। दोनों में जो प्रोसेसर आने वाला है वो भी दोनों में सेम है। इंडिया में वैसे चांसेस हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आएगा इस बार। इसके अलावा मेमोरी स्टोरेज वगैरह सारे ऑप्शंस आपको सेम मिल जाते हैं। बैटरी का बस डिफरेंस आ जाता है जो कि 3700 mAh आपको मिल जाती है S22 में, जबकि आपकी S22 प्लस मिल जाती है 4500 mAh बैटरी। इसके अलावा हम अपने बीस्ट को अगर देख लें तो यहाँ पे 6.8 इंच QHD प्लस की स्क्रीन के साथ में आ जाता है हमारे पास, LTPO 2.0 डिस्प्ले आ जाती है जिसमें आप 1 Hz से लेके 120 Hz तक आपकी डिस्प्ले जो है वो रिफ्रेश करेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का, वाइड मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है 10 मेगापिक्सल का, इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पेस जूम के लिए मिल जाता है टेलीफोटो का दूसरा 10 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा हमको यहाँ पे 40 मेगापिक्सल का मिल जाता है। इसके अलावा हमको प्रोसेसर एक्सोनस 2200 या स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलेगा, जो कि दोनों 4 नैनोमीटर बेस्ड है। इसके अलावा मेमोरी और स्टोरेज यहाँ पे इस बार 128 GB से स्टार्ट होने वाली है। बैटरी 5000 mAh बैटरी, और आपको इसके साथ एक इम्प्रूव्ड एस पेन मिलने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कितना नीट एंड क्लीन, बिल्कुल स्टनिंग फ़ोन लगता है प्रीमियम। आप देख सकते हैं अभी इस वाले आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे ये डमी मॉडल में कुछ। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें कि S21 सीरीज जो आई थी और S22 जो आ रही है उसके बीच में का मेन डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं S21 जो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं वो 6.2 इंच की स्क्रीन के साथ में था, जबकि इस बार जो आ रहा है वो 6.1 इंच की स्क्रीन के साथ में, तो थोड़ा सा स्लाइट कॉम्पैक्ट किया है, लाइक एप्पल अपने ज़्यादातर फोन 6.1 इंच में निकालता है, तो उसके कंपैरिजन के लिए उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। बाकी अगर यहाँ पे देखें तो कैमराज में उतना ज़्यादा नहीं है कोई भी चेंजेस, प्रोसेसर में यहाँ पे चेंज है। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी अगर देखी जाए तो डीग्रेड की है, 4000 से 3700 mAh पे इन्होंने शिफ्ट किया है। इसके अलावा सेम कहानी है यहाँ पे S22 प्लस के लिए भी, जो S21 प्लस आया था वो 6.7 इंच की स्क्रीन के साथ में था, इस बार 6.6 इंच की स्क्रीन साथ में है, और जो बैटरी है वो 4800 mAh थी S21 प्लस में, जबकि S22 प्लस में होने वाली है 4500। तो यहाँ पे बैटरी डिग्रेड की गई है, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी की गई है।
लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे S21 अल्ट्रा को S22 अल्ट्रा के साथ में यहाँ पे कंपैरिजन, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस बैटरी 4800 मिली एम्पायर की जगह यहाँ पे S22 अल्ट्रा में 200 मिली एम्पायर बढ़ा के 5000 मिली एम्पायर बैटरी दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें एस पेन भी फिट होगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और थिकनेस भी इसकी बहुत ही कम ही रखी हुई है। इसके अलावा कैमरा लगभग सेम है, चिपसेट यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा नोट 20 अल्ट्रा से आप कंपैरिजन करेंगे तो बैटरी में ये बहुत ज़्यादा है, 4500 है वहाँ पे, यहाँ पे हमको मिलेगी 5000 मिली एम्पायर बैटरी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे फंक्शंस देख सकते हैं कि 5G पावर्ड है और कितनी इसकी स्पीड मिलने वाली है, वाईफाई 6E के साथ में आने वाला है ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये अभी तक के लीक्स हैं जो निकल के आए हैं, बहुत सारे सोर्सेस से जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप देख सकते हैं, और ये कन्फर्म्ड सोर्स के थ्रू आए हैं और ये कन्फर्म्ड लीक्स हैं, बिल्कुल ही यही होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे हमको जो S22 अल्ट्रा है उसमें 5000 मिली एम्पायर मिलेगी, और इसके अलावा आप देख सकते हैं 22 प्लस में 4500 और हमारा S22 में 3700 मिली एम्पायर। इसके अलावा 4 नैनोमीटर प्रोसेसर तीनों में होगा, या तो एक्सिनोस 2200 या तो आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलेगा। इसके अलावा 45 वॉट यहाँ पे चार्जिंग मिलने वाली है, फास्ट चार्जिंग, जो कि हर साल 25 वॉट तक लिमिटेड थी लेकिन इस बार बढ़ा दी है, लेकिन ये भी लिमिटेड है अपर टू मॉडल्स के लिए, S22 स्टिल 25 वॉट सपोर्ट करेगा। और एक चीज और बता दूं, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक केबल फोन मिलने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ आपको की फंक्शंस की फीचर्स यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं, सिनेमैटिक डिटेल्स, नाइटोग्राफी, ऑथेंटिक पोर्ट्रेट्स, एस पैन, गैलेक्सी एक्सक्लूसिव, तो ये सारे जी विक्टस प्लस यहाँ पे मिलने वाला, IP68 आर्मर एल्युमिनियम, तो ये बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे 9 तारीख के लॉन्च में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब आ जाते हैं मेन, हम इनकी साइजिंग, बैकलुक और जो इनके प्राइसेज होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे, मैंने 256 GB लिया हुआ है जो कि मुझे लीक से मिला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $900 फॉर S22, $1100 फॉर S22 प्लस एंड $1300 फॉर S22 अल्ट्रा फॉर 256 GB वेरियंट। तीनों में आपको माइक्रो SD कार्ड नहीं मिलेगा, आपको दो सिम लगा सकते हैं, नैनो सिम तीनों ही फोन्स में, तो प्राइसिंग के मामले में ठीक है, लास्ट ईयर के ही ऑलमोस्ट बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने पूरा समराइज रख दिया हुआ है, सारे स्पेसिफिकेशंस, वेट, स्क्रीन, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हुई हैं, आप एक बार पॉज करके इसका लुक ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है कि क्या इंडिया में एक्सिनोस के साथ में आएगा या स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ में आएगा। तो चांसेस यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो साउथ एशिया में आता है, लेकिन यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया पे यहाँ पे उसने डिवाइड किया हुआ है कि एक्सिनोस निकालेगा या स्नैपड्रैगन, तो देखते हैं अभी कौन सा आता है इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अब हम टैबलेट्स की बात कर लेते हैं, तीन टैबलेट आने वाले हैं, S8, S8 प्लस और S8 अल्ट्रा। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके अलावा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और तीनों के बारे में बताता हूँ। तीनों में ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिलेगा। S8 में आपको 11-inch डिस्प्ले मिल जाती है, S8 प्लस में आपको 12.4-inch मिल जाती है, जबकि S8 अल्ट्रा में आज तक की सबसे बड़ी किसी टैबलेट की स्क्रीन 14.6-inch की मिल जाती है, एक लैपटॉप से भी बड़ी स्क्रीन आपको इसमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं बैटरी कितनी आ जाती है, तो S8 में 8000 मिली एम्पायर, S8 प्लस में 10,090, S8 अल्ट्रा में 11,200 मिली एम्पायर बैटरी मिल जाती है, जिसको चार्ज होने में S8 अल्ट्रा को 45 वॉट चार्जर से 82 मिनट्स लगते हैं, S8 प्लस को भी 82 मिनट और S8 को भी 80 मिनट्स, आप देख सकते हैं बाकी स्क्रीन में डिटेल्स मेरी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर पे आएगा, तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मोड्स वगैरह दिए गए हैं, सुपर एमोलेड 120Hz डिस्प्ले दी गई है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाले यहाँ पे हमें टैबलेट्स देखने को मिलेंगे। सारे ही 5G हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 या एक्सिनोस 1200 के साथ में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कलर्स अवेलेबल ऑप्शन है, बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शन हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके अलावा जो बेजल्स हैं बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं यहाँ पे, तो टैबलेट्स बहुत ही पावरफुल आने वाले हैं, मज़ा आने वाला है टैबलेट्स को देखते हुए, और बाकी जो डिटेल्स है लीक्स के थ्रू आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कुछ और की फंक्शंस इसके, तो कनेक्टेड एक्सपीरियंस रहेगा, टेबलेट, सैमसंग फ़ोन, सैमसंग TV, सारी चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ, और एक बहुत ही
अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन होगा कि लाइक आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और मल्टीपल पीपल्स बैठे हुए हैं तो वो ऑटो फ्रेम कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो अभी बताया था कि स्नैपड्रैगन और एक्जिनोस कहाँ आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री यहाँ पे मैंशन किए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सबसे की फीचर है गैलेक्सी S22 सीरीज का, वो है यहाँ पे उसकी नाइट फोटोग्राफी और नाइट वीडियोग्राफी। मैं कुछ भी आपको अभी दिखाता हूँ तो उससे आप समझ पाएंगे कि सैमसंग ने अभी एडवर्टीज भी किया हुआ है कि वो बिल्कुल नाइट में फोटोशूट कर रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग फोटोज और वीडियोज आ रही हैं वहाँ पे, तो उसका एक की फोकस है यहाँ पे इस साल की वीडियो में। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और DX प्लस का यूज सबसे लेटेस्ट एंड अपग्रेडेड है। इसके अलावा दोस्तों S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा, Tab S8, Tab S8 प्लस, Tab S8 अल्ट्रा सारे ही ऑफर में ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। और दोस्तों मैं अपने चैनल पे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ यहाँ पे सैमसंग के इवेंट को, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वो लॉन्च इवेंट मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या चेंजेस किए, क्या सारी चीज़ें, कौन सा किस कंट्री में किस प्राइसिंग में आता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि सबको इवेंट्स देखने चाहिए अगर आपको फ़ोन ख़रीदना है तो। सो दोस्तों ये थे सारे लीक्स जिसके बारे में मैंने बात किया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी बहुत ज़्यादा, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, catch you in the next letter.